बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के फंक्शंस ओवरलोडिंग और फंक्शंस के ब्रीफ रिवीजन होगी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फंक्शन पैरामीटर्स को, और फंक्शन ओवरलोडिंग हमारा आज का मेन टॉपिक होगा। सब लोग प्लीज काइंडली अपने ऑनलाइन कंपाइलर्स खोल लें, बिकॉज आप लोग ऑनलाइन कंपाइलर्स पे ही काम कर सकते हो। एंड आई वांट के आपको कॉन्सेप्ट मिल जाए, बाद में इसी इम्प्लीमेंटेशन को अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे ले जाए आप लोग। ओके, सो दिस इज द बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर। आपको नजर आ रहा होगा कि इंट मेन, दिस लुक्स लाइक अ फंक्शन। जैसे हम फंक्शंस लिखते हैं तो इंट मेन टेक्निकली इट्स ऑल्सो आर मेन फंक्शन। हमारे मेन फंक्शन का वो काम है, इट्स जस्ट लाइक अ फंक्शन, बट प्री बिल्ट मेन फंक्शन का ये फंक्शन है कि जैसे हमारा प्रोग्राम रन हो तो इस कोड को सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाए। दिस इज द मेन बॉडी ऑफ अवर फंक्शन। यहाँ पे हम अपने सारे टास्क करते हैं। उसी तरह जो न्यू फंक्शन हम बनाएंगे यूजर डिफाइंड, वो भी इसी तरह फंक्शंस होंगे, बट दे नीड टू बी कॉल्ड इन द मेन फंक्शन, वरना दे वोंट बी इनवोक्ड और वो रन नहीं करेंगे विदाउट दैट। तो दिस इज द डिफरेंस। सो लेट मी राइट द सिंटैक्स ऑफ अ फंक्शन। ओके, सो मैंने एक फंक्शन बनाया कॉल्ड माइनस। उसमें मैंने एक इंटीजर डिक्लेयर किया ए, और ए बी सी तीन इंटीजर्स डिक्लेयर किए हैं। ए को इनिशियलाइज किया 5 के साथ, बी को इनिशियलाइज किया 10 के साथ, एंड सी इज बी माइनस ए, दैट मीन्स सी विल बी 5। तो उसके बाद बिकॉज दिस फंक्शन इज ऑफ इंट टाइप, तो इट नीड्स सम वैल्यू टू बी रिटर्न्ड। अगर ये void function होता तो it wouldn't have returned any value, since this is an integer type function, इसने कोई integer return करना है। तो what it's returning now is c। c क्या है? c 10 5 के बराबर है, because 10 minus 5 is 5, so technically this is returning 5, and this is a comment, this is no code, this is comment, that means इसका कोई effect नहीं है in our प्रोग्राम। सो जब मैं ये फंक्शन रन करूंगा, इसकी आउटपुट होनी चाहिए 5। व्हाई? बिकॉज हमारा ये फंक्शन ए और बी को माइनस करके सी की वैल्यू रिटर्न करेगा, विच राइट नाउ इज 5। सो यू गाइस सी देयर इज अ कंपाइलेशन एरर, इंट मेन माइनस इज एम्बिगुअस। ओके, why it's ambiguous, because minus एक variable की तरह treat हो गया, I forgot to put the function parentheses. okay, so minus was already a pre-built function, इसलिए I couldn't use minus, so I changed the name to minus 1. so okay, our value was supposed to be 5. so when I run this program, मैं minus 1 को सी आउट करता हूं तो वी गेट 5, बिकॉज इट्स रिटर्निंग द वैल्यू ऑफ सी। सो दिस इज द फर्स्ट सॉर्ट ऑफ
फंक्शन. उसके अलावा लेट्स डू अ सिंपल वेरी सिंपल फंक्शन void, that means it won't return anything. Display, ये आपकी आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है. मेक श्योर यू प्रैक्टिस दिस बिकॉज प्रैक्टिस के बगैर यू कैन नेवर मास्टर प्रोग्रामिंग. इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट आई एम गोइंग टू सी आउट. Okay, so this is a function called display of the void type. That means it's empty. It's returning nothing. So isme sirf main koi task perform karwa sakta hu. So now you guys see I'm see outing hello guys. So isko kaise maine call karna hai? I'm just going to write display like this. मैं डिस्प्ले के फंक्शन को इन्वोक कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, तो इसके अंदर जो भी कोड होगा इट्स गोइंग टू रन डायरेक्टली. So let me run this program. So first is 5, second is hello guys. Okay, now it's more clear. पहले हमने सी आउट किया -1 के फंक्शन को, ठीक है. एंड एल मीन्स एंड द लाइन. देन मैंने डिस्प्ले वाले फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर जस्ट ये स्टेटमेंट थी. सो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. सो यू गाइस सॉ वॉइड टाइप फंक्शन एंड इंटीजर टाइप फंक्शन. इसी तरह आप लोग स्ट्रिंग टाइप फंक्शन भी कर सकते हैं, फ्लोट टाइप फंक्शन, एनी. सेकेंड थिंग दैट वी आर गोइंग टू बी प्रैक्टिसिंग टूडे इज फंक्शन पैरामीटर्स. सो लेट्स मेक अ क्विक प्रोग्राम of the string type that takes the user's name. Okay, is function ka naam hai name, and name is of the type string, aur iske andar main ek input parameter lunga of the type string also called name. Okay, this is right now it looks okay. अब हमारे इस फंक्शन ने क्या करना है, इट्स गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अनदर स्ट्रिंग कॉल्ड नेम एंड इट्स गोइंग टू बी इक्वल टू नेम. लेट मी चेंज दिस टू नेम वन. और नेम वन विल बी इक्वल टू दिस नेम बिकॉज ये भी इसी फंक्शन में डिक्लेयर होता है. स्ट्रिंग नेम एंड नेम वन इज इक्वल टू जो भी इसके अंदर पैरामीटर हम पास करेंगे वो इसको असाइन हो जाएगा. एंड नाउ वी आर गोइंग टू रिटर्न. एक्चुअली लेट्स टाइप एक्चुअली हमारे पास नेम ऑलरेडी है ओवर हियर, राइट? यस. लेट्स जस्ट मेक इट क्लियर. एक और स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं. आउटपुट इज गोइंग टू इक्वल टू योर नेम इज so we're going to concatenate this string plus concatenate means attach two strings together. Your name is name. So this should concatenate these two strings. Your name is ko bhi aur name ko actually name one ko mila dena chahiye. And now I'm going to return output.
So I hope this works. Display, and now I'm going to see out. I'm going to see out name. So I'm going to type name. So this is how the function looks like. But agar main is function ko abhi execute karunga, to you guys will see an error. You guys will see an error. Why? Yes, name function. This is not the syntax of the name function. Humne jo name function ka syntax rakha hai, uske andar ek input parameter bhi dena hai of the string type. So when I put an input parameter here, it should be my name is Asad. So I'm going to write Asad. Then I'm going to run this program. So you guys see ke ab error nahi hai. So it's outputting your name is Asad. So this is the correct format for this function, because humne ek input parameter use kiya, and now based on that our function is correct. What our function is doing, hamara function ek name ko input le raha hai, uske baad इसके अंदर नेम वन के अंदर उसको असाइन कर रहा है. आउटपुट जो हमने डिस्प्ले करानी है उसको नेम वन के साथ कॉन्कैटनेट कर रहा है. कॉन्कैटनेट मींस दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना. सो दिस इज द फर्स्ट स्ट्रिंग, योर नेम इज प्लस नेम वन. नेम वन में था, इधर हमने जो भी टाइप किया असद. सो टेक्निकली नेम में यहाँ पे वी आर गोइंग टू प्रिटेंड इट्स असद या जो भी यहाँ पे हो. इसके बाद यहाँ पे ये यह हो रहा है कॉन्कैटनेटिंग. कौन Okay, so this is called concatenation. So the last most important topic is called function overloading. Function overloading. Remember guys, this is just a comment. It has no effect on the program. Jab main do slashes laga deta hu on anything, that means ye comment ban jate hain. It's nothing. This is just for our own convenience. Okay, पहला टॉपिक है फंक्शंस जो हम असाइन करते हैं इजी ऑफ द वॉइड इंटीजर टाइप, जस्ट फंक्शंस. सेकंड आर फंक्शन विद इनपुट पैरामीटर्स व्हिच इज दिस. हमारे कोई फंक्शंस जो कोई इनपुट पैरामीटर्स लेके कोई टास्क परफॉर्म करते हैं. द थर्ड एंड लास्ट टॉपिक अबाउट फंक्शन इज फंक्शंस ओवरलोडिंग. व्हाट फंक्शन ओवरलोडिंग मींस इज ओके. सो फंक्शन ओवरलोडिंग का पूरा टॉपिक मैं कवर करवाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में. बट बेयर इन माइंड दैट फंक्शन ओवरलोडिंग इज द थर्ड फंक्शंस, थर्ड स्टेप इन द फंक्शंस. फंक्शंस तीन टाइप के हैं, इनपुट पैरामीटर्स वाले, सिंपल फंक्शंस एंड फंक्शंस दैट आर ओवरलोडेड. तो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डू अनदर एग्जांपल ऑफ फंक्शन पैरामीटर्स, फंक्शन विद इनपुट पैरामीटर्स. सो मैं एक फंक्शन टाइप करता हूँ, देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट. Let's do a function with three input parameters. So यहां तक function एक मैंने बना लिया जिसका नाम है details. But I didn't assign it with some value. I'm going to make this void.
ओके सो मैंने तीन इनपुट पैरामीटर्स डाले हैं, एक नेम एज एंड कोर्स ऑफ दिस टाइप स्ट्रिंग इंट एंड स्ट्रिंग. तो लेट मी असाइन दीज वैल्यूज. ओके सो हमारा ये फंक्शन तीन इनपुट पैरामीटर्स ले रहा है एंड उसके बाद इट्स इट्स गोइंग टू आउटपुट वेलकम एंड यहाँ पे आप लोग का नेम आएगा और उसके बाद इट्स गोइंग टू एंड द लाइन. इट्स गोइंग टू से योर एज इज एज फ्रॉम हियर एंड आफ्टर दैट इट्स गोइंग टू टेल दैट योर प्रोग्राम इज वट एवर वी आर गोइंग टू गिव द फंक्शन. तो इसको हमने कैसे एग्जीक्यूट करना है, वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट इट लाइक दिस. Let me add an handle here. Okay, I'm just going to run this function simply because it's of the void type. It's not going to return anything, so I can simply run this function like this. Function. Oh, sorry. Why did I add function here? It was supposed to be a comment, but galti se maine udhar function likh diya. So, void details. I mean type details and then we have to fill the function's syntax. So function ka syntax pehle main run karke aapko dikhata hoon. I'm going to make some mistakes on purpose. Iska syntax ye pehle ek string do phir ek integer do phir ek string do. So let me enter one. Pehle main एक इंटीजर डिक्लेयर कर देता हूँ इसको 28. उसके बाद आई एम गोइंग टू गिव इट अनदर इंटीजर. देन प्रोग्राम इज CS. और आप लोगों ने स्ट्रिंग को इन इन्वर्टेड कॉमास जरूर देना बिकॉज अदरवाइज इट वॉन्ट बी कंसिडर्ड एज अ स्ट्रिंग. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस राइट नाउ. इट्स गोइंग टू बी एन एरर. हाउ? Okay, so there are errors. Let's look at the errors. It says could not convert 28 from integer to string. So हमारे syntax में हमने string set किया है and हमने इसकी जगह इसको integer दे दिया. Just like I said, तो it would not accept any integer here. It's going to accept a string. So I'm going to write just a random name like Hamza. And then I'm going to run this program. And now, okay, let me quickly add these values before entering them.
Okay, so program one की जगह is supposed to be course. This is the mistake that I made. Course one, okay. So, okay. It's working, it's saying, welcome Hamza, your age is 20, your program is CS. So that means our program is working perfectly. और जैसे मैंने पहले अपना प्रोग्राम लिखा था विदाउट दीज थिंग्स इट ऑल्सो वर्क्स परफेक्टली. इफ आई रेज दिस एड नेम वन की जगह आई यूज दीज डायरेक्टली दैट इज जस्ट एक्स्ट्रा. पर आप लोग को समझ आ जाए वी यूज टू डू दैट बिफोर तो उसके लिए. सो दिस इज हाउ द प्रोग्राम विल लुक लाइक. ओके सो आई एम गोइंग टू एंड दिस एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट फंक्शन ओवरलोडिंग. टेक केयर.